जी तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपना घर देखने के लिए। इस कबाड़ को छोड़ के हमने निकाल ली बाइक और चले गए अपना घर देखने के लिए। और ये सपारी साहब ने दी थी, तो ये बाबा को दे दी। और रश इतना था ना रास्ते में कि पूछो मत, 10 मिनट लग गए। और हम उसकी उनकी गली में फाइनली पहुँच के, ये पहला घर हमारा था, दूसरा सर का, और तीसरा उनके भाई का है। मैंने जो आपको 3 घर बताया था, उनमें से कोई भी नहीं है। सर आ चुके हैं घर, असल में वो है जिधर सर गुजरे हैं। तो ये हम जा रहे हैं घर चेक करने के लिए, तो देखते हैं कैसा घर है। ये एक कमरा है, अच्छा खासा खुला है, मार्बल लगी हुई है। और ये दूसरे के 2 कमरे हैं। और अगर बाहर का देखा जाए तो बहुत अच्छा माहौल है। और वो किचन है, और ये देखें माशाल्लाह किचन भी ठीक ठाक किस्म का है। और छत वैसे बहुत डेंजरस किस्म की है, वहाँ डर लगता है दोनों साइडों से। तो फिर हम लोग अभी बाबा और उनसे मशवरा कर रहे हैं कि देखते हैं क्या होता है। ये हमारा घर है, आपको पता जिस तरह लग गया है। और फिर हम लोग चले गए खाना पीने के लिए, जाहिर सी बात हम इतनी मेहनत की है। फिर हम लोग आ गए कैफे शरफ पे चाय वगैरह पीने। बाबा ने चाय बनाई और मेरे कोल्ड ड्रिंक, और सर ने हमदर्दी दिखा था, मैं बिल दे दिया। बहुत ज़्यादा लंबा, कोई 400 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच गए अपने बड़े से महल में, जो 2 कदम चलने के साथ फौरन ही ख़त्म हो जाता है, गजब बेइज्जती है। उसके बाद हम लोग आए तो खाना खाने थे, चाय पीने, लेकिन भूख लग गई तो हमने खाना मंगवा लिया। पहली बार मैंने चाय मंगवाई है, वाह वाह तो बनती है यार, मतलब कुछ तो रिस्पेक्ट है मेरी। मतलब व्लॉग पसंद आया तो लाइक भी कर दे, कमेंट भी कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे। इस तरह की वीडियोस आती रहती हैं, ठोक दे सब्सक्राइब का बटन को।